आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये समय जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में आपने पहले ही बता दिया था कि निचले स्तर से कुछ समय के लिए खरीदारी निकल के सामने आ सकती है ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर। ठीक वही ट्रेंड हमने आज भी फॉलो होते हुए देखा है। कल को इनफैक्ट जैसा आपने बताया था 6% का ऊपरी सर्किट ग्वार गम में और 4% से ज़्यादा का ऊपरी सर्किट ग्वार सीड में लगता नजर आया था। अब यहाँ से क्या सलाह रहेगी आपकी ग्वार में, क्या आगे अभी और तेजी बनेगी या फिर यहाँ से और कीमतें नीचे की ओर जाएंगी? जी देखिए, ग्वार कम या ग्वार और ग्वार शीट में जो दोनों के टारगेट्स है कहीं ना कहीं 5600 और 9800, वो दोनों ने डन किए और वहां से एक रिबाउंड की जो आशंका थी वो हमें देखने मिल रही है जी। तो वो वही चीज हम पिछले 3 सेशन से देख रहे हैं ग्वार कम ग्वार शीट में। मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है ये और जारी रहेगा। हम आने वाले हो सकता है एक हफ्ते में करीबन 6150 से 6200 के भी लक्ष्य देख पाए ग्वार सीड में। उसी प्रकार ग्वार गम में जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो एक्सटेंड होकर लगभग 11100 तक प्राइजेस को लेके जाए। तो मैं फिलहाल दोनों में ही तेजी करना पसंद करूंगा। हालांकि इमीडिएट तौर पे इतना बता सकता हूँ कि अपसाइड होगा, शायद लिमिटेड हो सकता है, बहुत लंबी तेजी नहीं हो, लेकिन 3-4% की अपसाइड हो सकती है जी।